हेलो एवरीवन, यूट्यूब मॉम चैनल में एक बार सभी प्यारी प्यारी एक्सपेक्टिंग मदर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दूध बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए प्रेगनेंसी में दूध पीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में दूध पिया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दूध की महक, जब दूध किचन में बॉयल भी करने को रखते हैं हम, तो उनका मन खराब होता है, उनको नौजिया फील होता है और पेट घूमने सा लग जाता है, दूध नहीं पिया जाता। अब मैं दूध की ही बात क्यों कर रही हूँ? फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बच्चा जब बनता है तो कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 1000 से 1500 mg पर डे कैल्शियम चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन अगर ऐसे में आपको दूध नहीं पिया जा रहा है या डेयरी प्रोडक्ट्स आप नहीं ले पा रही हैं, तो ये सीरियस हो सकता है आपके लिए। बच्चे के विकास में, वेट गेन में डेवलपमेंट के इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपके डॉक्टर से जरूर बात करें अगर आपको दूध नहीं पिया जा रहा, ताकि आपको सप्लीमेंट भी दिए जाए। लेकिन डाइट हमेशा से इम्पॉर्टेंट है और डाइट को अच्छा करना ही पड़ेगा आपको प्रेगनेंसी में पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। तो दूध नहीं पिया जा रहा तो क्या करें, क्या चीजें खाएं जो कि स्वाद भी दे और कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाए? तो ऐसे में मिल्क के प्रोडक्ट लाइक छाछ, बटर मिल्क, कर्ड आप ले सकते हैं। कर्ड या छाछ में नमक मिलाकर नाले गुड बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। आप प्लेन ले सकते हैं या इंस्टेंटली मीठा मिला के ले सकते हैं। ये आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखेगा और कैल्शियम भी देगा। योगर्ट ले सकते हैं आप साथ में, योगर्ट में बैक्टीरियल स्ट्रेन ज्यादा होते हैं तो वो गट को और अच्छा फायदा पहुंचाते हैं। आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं लिया जा रहा है या फिर कुछ और ऑप्शंस आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, बोरियत आ रही है एक दो चीजों से, तो ऐसे में रागी का आप प्रयोग कर सकते हैं। रागी आटे में भी अवेलेबल होता है, दाने में भी अवेलेबल है, तो आप उसको फर्मेंट करके इडली डोसा बना सकते हैं। आप रागी का चीला बना सकते हैं, रागी को गेहूं के आटे में मिला के रोटी बना सकते हैं, रागी के लड्डू बना सकते हैं, उसका हलवा बना सकते हैं। कई चीजों में रागी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा काजू और बादाम, एलमंड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। काजू में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अंजीर, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फुल ऑफ कैल्शियम है, तो आप अंजीर का भी सेवन करें। डेली 2 अंजीर भिगोकर आप खा सकते हैं। बीन्स, जो भी बीन्स होती है उनको आप अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाकर, सूप बनाकर उनको ले सकते हैं। बीन्स में भी कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बच्चे की हड्डियां कमजोर रह जाती है। इस डेफिशिएंसी का खामियाजा शिशु जन्म के बाद अपने विकास के द्वारा डेवलपमेंटल जो ग्रोथ होता है बच्चे का उसमें झेलता है। इसलिए प्रेगनेंसी में कैल्शियम के लिए अवेयर रहें, कैल्शियम के सप्लीमेंट जब डॉक्टर देती है उन्हें खाएं और डाइट में भी इन चीजों को आप जरूर जरूर शामिल करें, जिससे कि प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी रहे, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा और आपकी हड्डियां भी कमजोर ना हो प्रेगनेंसी में। अदरवाइज कैल्शियम की नीड होती है तो मदर की बोन से मिनरल्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर आपको हड्डियों में दर्द रहता है, कमजोरी आती है। तो प्रेगनेंसी के बाद आपकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी अगर आप कैल्शियम इनटेक डाइट से प्रॉपरली लें। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।